इंकलाब जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हर जोर जुलूम के टक्कर में हमारा नारा है, हर जोर जुलूम के टक्कर जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बर्खास्ती कर्मी को वापस लो वापस लो वापस लो। बर्खास्त मनरेगा कर्मी को वापस लो वापस लो वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बर्खास्त मनरेगा कर्मी को वापस लो वापस लो वापस लो। बर्खास्त मनरेगा कर्मी को वापस लेना होगा लेना होगा लेना होगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। बर्खास्त मनरेगा कर्मी को वापस लेना होगा लेना होगा लेना होगा। हर जोर जुलूम के टक्कर में हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अगर सरकार हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं देती है और आने वाले दिनों में मजबूर करती है हमें कि हम उग्र रूप धारण करके आंदोलन करें, हम उसके लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। हमारी मांग मूल रूप से जायज है, जो पांच सूत्री मांग है, समान काम के लिए समान वेतन, जितने भी मनरेगा कर्मी हैं उनका स्थायीकरण, साथ ही साथ जो राज्य सरकार के द्वारा पंचायत सचिव जनसेवक जैसे तृतीयवर्गीय और चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति होती है ग्रामीण विकास विभाग में, सारे मनरेगा कर्मियों को उसमें उचित मान सम्मान देते हुए समायोजित करने का काम करें, यही मूल मांगों को लेकर हम अपने आंदोलन को तेज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग को सरकार रोजगार सेवक पद पर 11 साल से काम करा रही है, लेकिन किसी तरह की सुविधा मानदेय पर नहीं हो पा रही है। हम लोग को घर में घर चलाना बहुत कठिन हो जा रहा है, इतना कम वेतन में काम करवा रही है सरकार। इसे घर में भी तुतुमे में होता है कि इतना कम पैसा लेके आती है महीना में। सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का पांच सूत्री मांगे हैं उसको सरकार लागू करे और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन करे। 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर यहाँ डटे हुए हैं हम लोग। मनरेगा में पिछले 11 साल से अल्प मानदेय में सेवा दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग अनुभवी हो गए हैं। पंचायत सचिव के पद पर जिसे दलपति को दिया गया था वैसा उसके जगह पर रोजगार शो को दिया जाना चाहिए था, लेकिन रोजगार शो को न देकर सरकार ने सीधी नियुक्ति निकाल कर रोजगार शो के हक पर और अधिकार पर सेंधमारी करने का काम किया है। हम लोग इतना अनुभवी होते हुए इतना दिन सेवा देने के बाद इतना कम मानदेय में हम लोगों को तरह तरह के काम के लिए फुल टाइम काम करने के लिए शोषित किया जा रहा है। समय पर मनरेगा कर्मी को मानदेय भी नहीं मिलता है और इतना कम मानदेय में मनरेगा कर्मी अब मनरेगा का कार्य करने में अब असमर्थ हो रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि हो और पंचायत सचिव के पद पर रोजगार स्रोत को स्थान दिया जाना चाहिए, इसी को लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं।